जो पहले भी कभी नहीं आए थे वो भी आए थे सब कुछ नया था। आप एकदम ओपन जीप में ऐसे सबको हाय करते हुए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई। बहुत ही अच्छा था वो सब। बाला मूवी देखी। बाला मूवी देखी थी। उसके बाद बाला की स्टोरी एकता से सुनिए कि नहीं सुनिए कंफ्यूज हो गई थी। आपका ये ड्रीम डेब्यू से कम नहीं था, ये 2 विकेट मिले अगेंस्ट श्रीलंका और उसके बाद फिर लेट्स जंप टू मेन इवेंट वर्ल्ड कप 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप। आपको कुछ मैचेस के लिए रेस्ट दिया गया था, कुछ मैचेस में आपको चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला और उसके बाद ही डायरेक्टली आपको बॉल थमा दिया जाता है एक बहुत ही क्रूशियल मैच में जो था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उस मैच के बारे में बताइए, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज मुझको टीम में लिया जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि चलो, क्योंकि उससे पहले मैं 6 मैच बाहर थी तो सोचा नहीं था कि 7वां मैच मुझे मिलेगा। तो बस रोज़ यही था कि मैच से पहले प्रिपेयर होकर आती थी कि खेलूंगी करके, पर ऐसा नहीं था कि चलो खिलाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि जो भी खेल रहा था अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, टीम जीत रही थी, टीम जीत रही थी, उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। करेक्ट, क्योंकि सब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और हम लोग हर एक मैच जीतते हुए आए थे, तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि मुझे चांस मिलेगा। फिर सुबह ग्राउंड पे आने के बाद अनाउंस हो गया तो मेरा नाम, तो सोचा भी नहीं था और सडनली मेरा नाम लिया तो चलो आपने बोला नहीं, अरे थोड़ा पहले बताया तो करो, थोड़ा हिंट तो दिया करो। नहीं, पहले बताते ही नहीं थे तो पता, सरप्राइज किसी को भी नहीं पता रहता, सरप्राइज सरप्राइज एकदम। फिर ग्राउंड पे पता चला तो चलो, एक ही माइंड में आया कि जो चांस मिला है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें। और वो नॉकआउट मैच था और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच, आर पार हारे तो घर जाएंगे, तो थोड़ा मैंने सोचा कि चलो बॉल मिलता है तो अपनी तरफ से अच्छा करना है, ना कि विकेट्स लेना या कुछ, ऐसे कुछ भी नहीं सोचा था, बस बॉलिंग अपनी तरफ से बॉलिंग अच्छी डालनी, यही सोच के मैंने उस दिन ग्राउंड पे उतरी थी। पर अच्छा बॉलिंग किया तो उसमें उस मैच में मुझे 5 विकेट आ गए, तो और उसी मैच में मेरे इंडिया के लिए 50 विकेट भी हो गए। ओके वाओ, तो वो बहुत ही खुशी का दिन था। उस मैच में काफ़ी कुछ हुआ, उस मैच में इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई की, उस मैच में आपका बेस्ट फिगर्स बना ODI में, 5 विकेट लिया, 15 रन देके खाली, तो मतलब पहले 6 मैच का पूरा कसर एक ही मैच में है। बस इतना ही सोच के उतरी कि बस अपनी तरफ से 100% देना, और जो पहले 6 मैच में नहीं खिलाया मैं अब आगे अच्छा डालना, यही सोचा था। ओके, और फिर वो वहाँ पे हम 5 विकेट आपने लिया, हम मैच जीते, क्वालिफाई किए सेमीफाइनल के मैच में, फिर मतलब हरमन का जो इनिंग है वो तो हमेशा याद रहेगा लोगों को, 171 एंड देन फाइनल हैपेंड, लॉर्ड्स 24,000+ लोग वहाँ पे थे, पैक्ड, पूरा जाम पैक था, वो हरा भरा था, जिसमें से इंडियन सपोर्टर्स भी काफ़ी थे, राइट? तो क्या चल रहा था उस दिन दिमाग में, वो मैच आप खेल रहे थे फाइनल का टूर्नामेंट, पहले सोचा था कभी लॉर्ड्स में खेलूंगी इतने पैक क्राउड में? जब पहले भी गए थे हम लोग इंग्लैंड सीरीज खेलने तो उस ग्राउंड में मैच था, पर बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया था, पर हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि लॉर्ड्स में मैच खेलें, और उस दिन हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था कि लॉर्ड्स में हम लोग खेल रहे, वो अलग खुशी, और फाइनल्स खेल रहे उसकी अलग खुशी, पर उससे पहले हम लोगों ने कभी क्राउड में मैच नहीं खेला था, सुनाया आ गया था कि पूरे टिकट सोल्ड आउट हो गए हमारे, exactly, पूरा पैक था वो, पूरा पैक था, और हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था कि इतने क्राउड में खेलना, तब इंडिया में भी इतने लोग नहीं आ रहे थे और ऑडियंस इतना नहीं होता था मैच देखने के लिए, पर सोचा नहीं था कि इतने लोग हमारा मैच देखने आएंगे, पर जब एक बार मैच शुरू हो गई तो हम लोग फर्स्ट बॉलिंग किए तो हम लोग एक दूसरे को चिल्ला रहे, तो किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा था इतनी क्राउड कि हम बॉलिंग के टाइम पर मुझे कोई कुछ बता रहा है या मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शोर हो रहा, इतना शोर था, वो सब एक्चुअली सब कुछ नया था हमारे लिए, पर
वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, पर कहीं ना कहीं वो दुख भी है कि हम लोग इतने छोटे मार्जिन से मैच हार गए, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल्स। पर एक चीज़ की खुशी है कि हम वर्ल्ड कप रनर्स रहे और टीम ने भी बहुत ही अच्छा होल टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एज ए टीम बहुत ही अच्छा हम लोग खेले, हर एक मैच हम लोग बहुत ही क्रूशल मैच की तरह ही खेले। ये सब बहुत ही अच्छे मेमोरीज रहे हमारे वर्ल्ड कप के। हर गेम में मतलब एक मैच विनर था, हर गेम में, हर एक मैच में किसी ना किसी का कंट्रीब्यूट बहुत ही रहा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था कि सिंगल हैंडेडली एक ही बंदा है जो पूरा पूरे सीरीज में चल रहा है। एक बार हरमन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मिसाली मैम ने ली, आपने एक बार ली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगेंस्ट मैंने, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हैरी दी ने, इंग्लैंड के अगेंस्ट स्मृति ने, और पाकिस्तान के अगेंस्ट एकता ने, ऐसे सब कर रहा है। और मित्तू दी का भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका भी सेंचुरी रहा। फाइनल में भी पूनम ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, 86 बट वो कहीं थोड़ा सा कम हो गया। वो अगर वो एक दो और ओवर वो खेल लेते तो शायद वही जिता देती। एक्चुअली वही जिता देती। कोई नहीं, बहुत ही अच्छा है वो टूर्नामेंट, हमारे लिए बहुत ही यादगार टूर्नामेंट है। करेक्ट। आप लोग भले मैच हार गए होंगे बट क्रिकेट जीत गया था इंडिया में, वेमेंस क्रिकेट जीत गया था। यहाँ पे तो बहुत ही बाद में आके सुना हम लोगों को, तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं था, पर हमारे घर पे बहुत लोग आ रहे हैं। जब जब मैच हो रहा है तो घर पे लोग आ रहे हैं, घर पे बैठ कर टीवी देख रहे, सब साथ में देख रहे, बहुत ही कुछ कुछ हो रहा था यहाँ पे घर पे, पर कुछ पता नहीं था। फिर आने के बाद बोलते हैं कि इतने लोग आए थे, उतने लोग आए थे, ये कभी सोचा नहीं है ना, कभी हुआ नहीं है ये सब। जो पहले भी कभी नहीं आए थे वो भी आए थे, वो भी आए थे। सब कुछ नया था वर्ल्ड कप के बाद तो बिल्कुल भी। आपको काफ़ी अच्छा एक रिसेप्शन मिला जब आप मुंबई लैंड किए और फिर आप बीजापुर गए, तो जिस दिन आप लैंड किया बीजापुर घर पहुँचे, वहाँ से और आपके घर तक का क्या सफ़र था? बीजापुर गई तो बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ मेरा, कि सब लोग, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे कि मुझे रिसीव करने या मेरा वेलकम करने। तो पूरा बीजापुर ही आया था वहाँ पे। फिर मुझे क्या बोलते हैं, लेके गए गाड़ी में सारे लोग, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। ओपन जीप में ऐसे सबको हाय करते हुए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई, बहुत ही अच्छा था वो सब। ओके। फिर आपको वापस से बीजापुर बुल्स, जो केपीएल की एक टीम है, उन्होंने इनवाइट किया है चीफ गेस्ट, और कैसा लगा वो वाला एक्सपीरियंस? क्योंकि आप शायद फर्स्ट टाइम आप आईपीएल तो कब, केपीएल तो कब से हो रहा था, पर ये वर्ल्ड कप के बाद ही जब उनको पता चला कि ऐसी कोई बीजापुर की भी है, तब उन्होंने बुलाया था। मैं हुबली गई थी उस टाइम पे। अच्छा। एज अ गेस्ट बीजापुर बुल्स टीम की तरफ से। करेक्ट। एक अलग एक्सपीरियंस मैच मैंने बैठ के देखा भी था वहाँ पे। अच्छा, बैठ के देखने बहुत कम मिलता होगा ना आप लोगों को मैच, हमेशा फील्ड पे ही रहना होता है। तो ऐसे तो मैच जब कैसे में कर्नाटका मैचेस होते थे तो देखते थे वहाँ पे हम लोगों को, फ्रेंड्स मिल के जाके देखते थे KPL और IPL। लेकिन एज ए गेस्ट कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अलग फीलिंग होती है। सही। ये सब हुआ, आपने काफ़ी कुछ देखा आपके लाइफ में। एक टर्निंग पॉइंट ये भी आया जब आपके डैड को एक कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये हुआ था 2014 में, शायद मैच देखते हुए ही, क्रिकेट देखते हुए। हाँ, हम लोग IPL ही देख रहे थे उस टाइम पे, IPL देखने गए। अच्छा, आप लोग IPL मैच देखने गए थे? IPL मैच देखने गए। तो उसके बाद मैं उधर ही ग्राउंड पे रही। आप और आपके सिस्टर थे शायद? हाँ, हम पूरी फैमिली गए थे, पर मम्मी भाई बीजापुर में ही थे, और मेरी बड़ी दीदी, मेरी छोटी बहन और मैं। ओके। और मेरे फ्रेंड्स। ओके। IPL मैच देखने गए थे, तो उसके बाद कुछ पेन हो रहा है तो चलते घर बोल के हम आधे मैच में चले गए, पर मैं बैठी रही। पापा ने बोला कि तू रह, तू मैच दे। तो दीदी बोला, दीदी बहन सब निकल गए। फिर बाद में सडनली फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब मैं निकली ग्राउंड से, निकल के घर जाने तक देख रही थी पापा, तब तक वो न्यूज़ आ चुकी थी तब तक। अच्छा। पर
मैं सीधा दीदी हॉस्पिटल लेके गई थी उनको कि हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, तो तब तक पापा नहीं रहे थे। उनको पहले से ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं था, पापा योगा भी करते थे और योगा पतंजलि योगा शिविर भी चलाते थे पापा। ओ अच्छा अच्छा, तो योगा योगा करते थे तो ना कुछ कुछ भी नहीं था, कोई कंप्लेंट्स भी नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ना, कुछ हेडेक भी नहीं पता था पापा को, फिर भी अचानक सडन एकदम था। आप लोग के लिए भी काफी शॉकिंग रहा? बहुत ही शॉकिंग रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि कभी कुछ हुआ है करके बेड पे कभी सोए हुए नहीं है पापा की, कि मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही या कुछ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है उनको। पर ये सडनली हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि 54 एज में भी बहुत ही एक्टिव थे पापा और बहुत ही कहीं भी जैसे आप बता रहे योगा भी करते थे। हाँ, योगा भी करते, शिविर चलाते थे। तो ये सब तो उन्होंने आपको तब तक इंडिया के लिए खेल चुके थे? हाँ, एक मेरी एक सीरीज हो गई थी, वही श्रीलंका सीरीज खेली थी। श्रीलंका सीरीज हो गई थी, ओके। तो एटलीस्ट उन्होंने वो देखा था। पर उनका सपना था कि मैं नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड सीरीज थी, तो उनका सपना था कि मैं एक बार इंग्लैंड जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो बाहर टूर करना चाहिए एक। हाँ, हाँ। तो उनका एक सपना था कि मेरी बच्ची इंग्लैंड टूर करनी चाहिए उनके, पर जब मैं इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट हो गई तो वो देखने के लिए पापा नहीं रहे थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही कही। बट उनकी ब्लेसिंग ऑफ कोर्स रही होगी, क्योंकि उसके बाद से जो है आपका जो ग्राफ है क्रिकेट का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। वर्ल्ड कप भी हुआ, वर्ल्ड कप में आपका परफॉर्मेंस हुआ, यहाँ तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे। तो वो ना हो बट उनका जो ब्लेसिंग है वो ऑफ कोर्स आपके साथ नहीं है। राइट राइट राइट। तो वर्ल्ड कप इवेंट के बाद आपका फिर यहाँ पे एक अच्छा सा स्वागत हुआ, और उसके बाद से जो चीज़ें हैं विमेंस क्रिकेट में वो काफ़ी चेंज हो गई है। कोई एक ऐसा चीज़ जो आपने पर्सनली नोटिस किया है, बीजापुर में हुई हो या कर्नाटका में हुई हो, कोई नई एकेडमी स्कूल गई है, विमेंस क्रिकेट पहले क्या था और अब क्या है? पहले कैसे था, जब वर्ल्ड कप के बाद जब हमारे कर्नाटका स्टेट में ट्रायल्स के लिए लड़के आए, जब सेलेक्शन होते हैं अंडर 19 या सीनियर जो भी होते हैं, तो उस ट्रायल्स के लिए हम लोगों ने देखा इतनी सारी लड़कियाँ कि जब से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तब से मैंने उतनी सारी लड़कियाँ नहीं देखी थी, कि पता भी नहीं था कि इतने लोग खेलते भी होंगे। फिर बाद में सडनली हम लोगों का कैंप उधर ही लगा था, तो सब शॉक में थे, हमारी पूरी टीम के लड़कियाँ भी इतने सारे कहाँ से आ गए। फिर हम लोग देख रहे ये अंडर 19 के ट्रायल्स चल रहे और इतने सारे लड़कियाँ, तो वो सब फिर बाद में आके बोलने लग गए कि सब मैडम आपकी आप लोगों की वजह से ही है, आप लोगों की वजह से ही ये देखिए कितना क्रिकेट बदल गया। ये सब सुन के बहुत ही अच्छा लगा। एक वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है कि नहीं, हमने इतने लोगों को आज इंस्पायर कर दिया है। हाँ। इतने लोगों को हमने इनकरेज किया है वेमेंस क्रिकेट के लिए, तो वो सब अच्छा लगता है कि अभी हम लोगों को भी और अच्छा खेलना चाहिए ऐसा लगता है, और हमको देख के इतने सारे लड़कियां भी खेलना शुरू की है, और क्रिकेट हर जगह अभी हर जगह लड़कियां हैं क्रिकेट खेलने वाली, नहीं तो कर्नाटका में 2-3 डिस्ट्रिक्ट ही थे वहाँ पे क्रिकेट था। हाँ, हाँ। तो अभी हर जगह हो गया वो। यस। और क्लब्स भी हो गए हैं, लड़कियों के क्लब्स ही हर जगह हो गए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्रिकेट बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, और आप लोग ने एक मेजर रोल प्ले किया उसको बढ़ाने के लिए, सो थैंक्स टू यू। रेलवेज के बारे में थोड़ा बताइए, रेलवेज के साथ आपकी जर्नी कब से शुरू हुई और अभी तक आपने क्या क्या वहाँ से सीखा है? रेलवेज भी मैं इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद ही मैंने रेलवे ज्वाइन किया। जब पापा की डेथ हो गई थी उसके बाद हमारा घर चलाने वाला कोई भी नहीं था, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई थी, क्योंकि घर में मैं ही बड़ी, दीदी की तो शादी हो गई, तो फिर उस टाइम पे मुझे जॉब बहुत ही ज़रूरी थी, ना कोई मम्मी तो कहीं कमाने वाले नहीं है, फिर घर चलाने का इतना मुश्किल हो गया, तो उस टाइम पे फिर बाद में मुझे डायना मैम ने वेस्टर्न रेलवे में ज्वाइन करवाया। ओके ओके। तो धीरे धीरे जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया उसके बाद घर का थोड़ा माहौल स्टेबिलिटी आई। हाँ, तो अच्छा हो गया, तो उसके बाद मैं रेलवे टीम के लिए सेलेक्ट हो गई। हाँ, हाँ। तो
तब से मैं रेलवेज टीम में रेलवेज के लिए खेल रही हूँ. ओके. तो इस टीम ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है. okay. और बहुत अब थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट में तो जो भी सीखी हूँ तो रेलवेज की वजह से ही हूँ, रेलवेज टीम की वजह से हूँ. और जो भी मैं आज जो भी आपने आज सीखा है अभी तक जो भी सब रेलवेज की वजह से ही. और क्यों नहीं, बिकॉज सारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं वो 90% इंडिया प्लेयर्स जो हैं रेलवेज के पार्ट है. तो आप सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आपके पास आपके आजू बाजू डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है. मिथाली मैम खेलती हैं, बेस्ट टैलेंट है पूनम राउत है, मोना मेश्राम है. और मेरा रेलवे ज्वाइन करने के बाद क्रिकेट और ज़्यादा सुधर गया. हाँ. ओ अच्छा. और अच्छा हो गया. नाइस. एक तो एक ये भी चीज़ जो हेल्प की है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है. तो आप अभी एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो. हाँ जी. क्रिकेट पे. क्रिकेट पहले जो था वो दो थॉट्स होते हैं दिमाग में. क्या होगा, कैसे होगा, ये सब ख्याल दिमाग में आते थे. पर एक चीज़ अभी है कि चलो जब सब ठीक है अब मैं पूरी तरह से क्रिकेट पे ध्यान दे सकती हूँ. अब काफ़ी टाइम पे आप लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में भी रहते थे. और फिर जब आप जब आप वर्ल्ड कप खेल के आए वुमेन्स वर्ल्ड कप 17 में, तो ऐसा भी न्यूज़ था कि आपको शायद कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो कोई कार गिफ्ट कर रही थी, पर आपने बहुत ही पोलाइटली आपने उनको डिनाई किया और कहा कि प्लीज़ आपको देना है तो प्लीज़ हमें शेल्टर एक. हाँ ये तो है कि उन्होंने मुझे बीजापुर वालों ने ही कार देने का बोला था. पर अच्छा. ये बात मैंने नहीं बोली थी. हाँ. कि मुझे कार नहीं चाहिए, घर दीजिएगा, ये मैंने नहीं बोल दी. पर पता नहीं कैसे ये न्यूज़ आ गई, क्योंकि मैंने कुछ उनको ऐसे बोला भी नहीं था. हाँ थी मुझे ज़रूरत थी घर की, पर मैंने नहीं बोला था कि मुझे घर. अच्छा. चाहिए घर के, पता नहीं कहाँ. अच्छा. से ये. ओके. क्योंकि ये हर जगह थी, ये बीच में काफ़ी सारे न्यूज़ वाले नेशनल न्यूज़ पे ये डिस्कस हो रहा था ये. क्योंकि वो टाइम पे वुमेन्स क्रिकेट एकदम पॉपुलर था रही. तो वर्ल्ड कप हम जीत के आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स लोग को उनके स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ फंड्स दे रही थी. तो उसके बीच में शायद ये न्यूज़ वाले लोग को टीआरपी के चक्कर हो गया होगा. पर मैंने ये मना नहीं करा था, क्योंकि जब अभी खुशी से वो लोग मुझे कुछ exactly. दे रहे, तो मैं उस चीज़ को कैसे मना कर सकती. करेक्ट करेक्ट. फिर आप लोग ने ये रिपोर्टर्स को पकड़ा नहीं कि तूने ऐसा क्यों छापा मेरे बारे में. नहीं, फिर बाद में मैंने बोला भी. हाँ. कि ये झूठी न्यूज़ है. ओके. तो राजेश्वरी आपका टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है अभी, मेंस टीम में और वुमेन्स टीम में दोनों? मेंस टीम में मेरा फेवरेट प्लेयर है रविंद्र जडेजा और वुमेन्स टीम में एकता. ओके. वुमेन्स टीम में एकता बेस. वो शायद आपकी फेवरेट, आपके जैसे बॉलिंग भी डालती है वो. मुझे लेफ्ट आर्म अच्छे लगते हैं. अच्छा, लेफ्ट आर्म सारे अच्छे ही लगते हैं. राइट आर्म से दुश्मनी है? ओके. सपोज आप अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप मैच नहीं खेल रहे हो, तो आपका एक टिपिकल डे क्या है, फ्री डे क्या है? आपको घूमना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है? मुझे ज़्यादातर मूवीज और शॉपिंग करना बहुत पसंद है. ओके. तो मैं ऑफ डे में शॉपिंग ज़्यादा. तो लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी थी? लेटेस्ट मैंने अभी बाला मूवी देखी. बाला मूवी देखी थी? उसके बाद अभी तक गए. बाला की स्टोरी एकता से सुनी है कि नहीं? सुनी है ना. टकलू में कंफ्यूज हो गई थी. एकता ने हमको भी सुनाई है वो स्टोरी. उसने मुझे भी बताया था. बताई थी.